निज़ाम साहब की गोद में पले हैं हम। मैं स्कूल में तब पढ़ता था जब निज़ाम साहब, लोन साहब मरहूम, शमीम साहब और ये बाकी सारे लोग, इवन बेग साहब बाद में, जब गांव-गांव मौली साहब, मौली इफ्तिकार साहब, वो तो फाउंडिंग चेयरमैन थे, जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको देखता था रात को आते हुए, रात के 1 बजे 2 बजे थके हारे ये यूनिट बिल्डिंग करते थे, बाकी चीज़ें करते थे। और उसके बाद ये कुछ देर सहाफत में गए, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रही, तो बिलहाल ये आप घर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शायद ही वो कोई हफ्ता रहा होगा इस सारे दौरान कि हम चाचा भतीजा कभी फ़ोन पर बात ना की हो या कोई चीज़, हमारे जो सोशल ताल्लुकात थे ऑल थ्रू दिस टाइम वो बरकरार रहे। हमारे कोई निजी मामलात होते, कुछ होते तो मशवरा निज़ाम साहब से करते, तो ये अपने घर ही आ रहे हैं। और बिलखसूस सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खुश जो हमारे पुराने वेटरन वर्कर्स हैं अपने नॉर्थ कश्मीर में, उनके लिए मान ली ईद आ गई है कि उनके निज़ाम साहब वापस आएंगे और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वहाँ आएँ। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा वेलकम इनको दें और पुरानी तरीके से वो इनके साथ रात भर बैठ कर अपना दरबार चलाएं। तो मैं फिर एकदम बार वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को, और इंशाल्लाह इसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, आप मैथ्स अपील जो इनकी मैथ्स अपील जो है वो छोड़ दें, वो तो एक तरफ है, वो तो किसी को भी, लेकिन व्हाट ही ब्रिंग्स अपार्ट फ्रॉम मैथ्स अपील इज़ हिज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, हिज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ और कनेक्शन विद द मैसेस। सो ही विल इंशाल्लाह प्ले अ ग्रेट रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड स्क्रिप्टिंग आवर वर्शन ऑफ फ्यूचर फॉर द पीपल ऑफ J&K इंशाल्लाह। और डू यू एग्री, माय क्वेश्चन इज नॉट व्हेदर ही इज हैव ऑल अदर्स फेल्ड एंड सरेंडर्ड, सो यू मीन दे आर दैट ही इज कंटेंडर, वेरी नाइस। ए भैया मैंने ये जब डिक्ले ये कहते हैं वी आर ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू सर, मैंने फैसला किया था तब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। हां तब एक सेकंड मैंने फैसला किया था मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुनासिब नहीं होता है बातें करना। एक छोटा आदमी हूँ, एक वर्कर हूँ, हर वक्त कश्मकश की है जहाँ भी रहे। आई नेवर बी इन पार्ट ऑफ एनी पावर फॉर ऑल माई लाइफ एक्सेप्ट आई वॉज एन MLA इन अपोजिशन, नॉट बीन पार्ट ऑफ पावर ऑर्गन से। हाँ वही कंटेस्ट किया, संघर्ष किया, लोगों की डिसेंट वाइस को आगे चलाया, जिन लोगों का समझा कि वक्त की जरूरत पूरा कर सकते हैं उनकी सहायता की, उनकी मेहनत समाजत भी रही होगी, ठीक है, लेकिन ना हम किसी से सवाल करेंगे ना हम किसी से शिकवा करेंगे। जैसा सजाद साहब ने एक लफ्ज में कहा, कुल्लु शायुन यरजू इल्ला असी, मैंने अपने खून से, अपनी जवानी के पसीने से इस पार्टी की एक एक ईंट बनाई है और आप गवाह, लोलाब हो, करना हो, आपका सारा कुपवाड़ा, मेरे बगैर कोई जलसा नहीं होता था वहाँ। मैं एक एक वर्कर को जो भी आज जिंदा है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का, उसका घर भी जानता हूँ, उसका चेहरा भी पहचानता हूँ, उसका नाम भी याद। उस कनेक्शन को तोड़ के कहाँ जाते आप जब एक कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हुआ। आपको द जर्नलिस्ट शुड रियलाइज दैट 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP आर स्ट्रगलिंग टू सी कश्मीर रिगलिंग आउट ऑफ द मोरेस इट हैज बीन थ्रोन इन। आई कीप नो बोन्स बट द क्वेश्चन इज ऑफ क्रेडिबिलिटी, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। 3 में से कौन उतरता है वक्त बताएगा, एंड आई हैव डिसाइडेड दैट ही इज वन हु कैन ऑनेस्टली एंड सिंसियरली विदाउट एनी पैराडॉक्सिस लीड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अरे तो हम इसका 78, 22, 45 years old, सो नोबडी कैन से कि हम कल, हमको कल किसी ने बनाया, हम विक्टिम रह चुके हैं पास्ट में भी, राइट। बाकी मैंने भी वो देखा, उनने बोला कि मुसलमान वोट को थोड़ा जा रहा है, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो हमें सपोर्ट करें, वो ना लड़े, मुसलमान वोट नहीं बढ़ जाएगा। उनके डैडी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी चीफ। आज अगर गरीब का बेटा बन जाए, मैं नहीं, चलो निज़ाम साहब को बनाते हैं, इमरान साहब को बनाते हैं, तो क्या कोई हर्ज करे हमें सपोर्ट? मैं पट्टे पर लिख कर दूंगा जो वो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अगर उनको मुसलमान वोट टूटने से बचाना है, करें सपोर्ट, हम सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं।
है।